हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम बैक विथ अनदर डब्ल्यूडब्ल्यू 2K23 गेम प्ले। और इस बार मैं इसका कैरियर मोड खेलने वाला हूँ जो कि होगा एम्प्टी स्लॉट। शुरू करते हैं। ड्रू मैकइंटायर का कट सीन आया है। वही नहीं, इसमें यार ये जो माई राइज है ना, तो इसमें लड़की रहती है। मैंने अभी खेल के देखा तो मतलब वही मेरे को लगा था नॉर्मल अलग अलग दो स्टोरी लाइन वाला होगा, बट वही है कि इसमें लड़की है। बट वो वाला नहीं खेलूँगा मैं, नॉर्मल अपना मेल रेसलर के साथ खेलूँगा। तो ये अपना है नेक्स्ट बिग थिंग है, इसका डेब्यू मैच होगा WWE में। और ये एकदम नेक्स्ट लेवल वाला, अपने जैसा ब्रॉक लेसनर आया था ना कि फॉर वो क्या बोलते हैं नेक्स्ट WWE चैम्पियन बनने वाला है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, वैसा कुछ होगा। लेकिन इसके लात पड़ेगी मेरे को लगता है पहले ही मैच में, और फिर इसको बाहर कर दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से हटा देंगे उसको। और फिर ना फिर क्या होगा कि मतलब फिर इसको एकदम बॉटम से आना पड़ेगा, कोई इंडी वगैरह वाले शोज होते हैं ना वहाँ पे खेल के करना पड़ेगा। कस्टम सुपरस्टार, यार कस्टम सुपरस्टार जी, हाई फ्लायर वैसे मेरे को पसंद है ज़्यादा, पावर हाउस टेक्नीशियन हाई फ्लायर ही कर देता हूँ। हाँ चलो, कितने ख़त्म भाई इसके वो हैं गियर, कितना ख़त्म है। रुको, इसके अभी मतलब ज़्यादा वो नहीं कर सकते मेरे ख्याल से इसमें चेंजेस, क्योंकि अभी इसको अनलॉक करने पड़ेंगे सारी चीज़ें। बैटल वियर ये बेकार है, ये शील्ड जैसा टायर है, ये लूचा लिब्रे वाले स्टाइल वाला बंदा है, बहुत चूतिया लग रहा है। लेकिन भाई इसमें तो कुर्ता पजामा भी है यार, रुको ये देखो, अपना इंडियन बंदा है भाई ये इंडियन बंदे को लेना चाहिए क्या, देख के भी थोड़ा लग नहीं, लेकिन रुको मस्त वाला कोई से लेता हूँ, देखने में थोड़ा ये तो रोबोकॉप जैसा थोड़ा दिख रहा है, मस्त है यार ये भी। WWE के ना क्रिएशन क्रिएशन मोड जो होता है बहुत सही वाला रहता है। ये तो यार एकदम पूरे फ्यूचरिस्टिक साइफ है, और ये वाला पोस्ट एपोकलिप्टिक टाइप है, ये मस्त लग रहा भाई। लेकिन मतलब रेसलर नहीं लग रहा है, लग रहा है किसी और गेम का है ये तो भाई। असैसिन्स क्रीड ओडिसी से लगता है उठा लिया सीधा, वैसे ही एकदम दिख रहा है। पायरेट हो गया, ये हरक्युलिस है क्या, कितना ख़त्म सब भालू का उसने वो लगा रखा है भाई, हड्डी वड्डी भी लगी हुई है, क्लाउन नहीं चाहिए। स्पोर्ट्स ना, सब खत्म है। इंटरटेनर ये भी बेकार है, वही से थोड़ा अच्छा गेटअप। ये भाई ये तो वॉच डॉग्स 2 जैसा लग रहा है इसका सब, जेफ आर्डी जैसा भी थोड़ा, चश्मा वश्मा नहीं चाहिए है लेकिन ये ऑक्यूपेशन ब्रॉक लेसनर वाला अटायर है, ये वाला जो ब्रॉक लेसनर आया था ना अभी रिटर्न होके, एकदम इसी तरह कपड़े उसने पहने थे, काउबॉय वाला, मॉडर्न काउबॉय वाले कपड़े। ओ ये तो हिटमैन लग रहा है, नहीं करंट परसोना में यार थोड़े चूतियों टाइप ये दिख रहा है, बहुत बेसिक है रिंग गियर सब कुछ। रुको, इससे अच्छा तो है यार कोई सा थोड़ा ठीक ठाक वाले ही ले लेता हूँ, इनसे तो अच्छे अच्छे हैं गेटअप। ये वाला मेरे को बहुत सही लग रहा है, बट ये रेसलर जैसा दिख नहीं रहा है, इसी को ले लेता हूँ यार, ये मस्त लग रहा है पता है। इसका अगर हेलमेट हटा दिया ना, हेलमेट और मास्क हटा दिया तो अच्छा दिखेगा। हाँ चलो, नेम रख देते हैं इसका, देखो कीबोर्ड से ही लिख देता हूँ नाम, ज़्यादा आसान रहेगा। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है, हाँ इसका नाम क्या दे देता हूँ, नाम यार इसका क्या देना चाहिए, मैड मैक्स दे देता हूँ, उसी की तरह दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। चलो सब में कुछ ज़्यादा नाम नहीं करनी है इसमें यार, फर्स्ट नेम रुको, मैड तो होगा ही मेरे ख्याल से, एम कहाँ है, एम ये रहा, मैड डॉग है, मैड डॉग ही कर देता हूँ। मैक्स भी होना चाहिए वैसे, मैक्स 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 मैन, मैक्स नीचे होगा वैसे, एम ए एम ए एस एम ए टी
मैट MAV ये रहा मैक्स। चलो भाड़ में जाए इतना ज़्यादा। न्यूयॉर्क नहीं, इंडिया 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 का है अपना बंदा। थाईलैंड इंडिया किधर है? यहाँ पे आना चाहिए इंडिया। आई नाइजीरिया पाकिस्तान भी है, बट अपन इंडिया का डालते। नेपाल भी है भाई, सारे कंट्रीज हैं अपने आसपास के। जापान, ओ ये रहा इंडिया इंडिया। हरियाणा, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पंजाब, यूपी। यूपी का है भाई, यूपी का है अपना बंदा। उत्तर प्रदेश, फेस। अरे यार ये दिख तो चूतिया ही रहा है। रुको, इतना ज़्यादा चेंज करने कोई ज़रूरत नहीं है। स्किन कलर थोड़ा सा ना कलुआ कर देते हैं हल्का, मतलब अपने जैसा करते हैं, इंडियन लगना चाहिए ना यूपी का है तो। ये तो बॉबी लैशली वाला काला हो गया, ये सही है। ये होना चाहिए स्किन टोन। और फेस टेक्सचर नहीं, फेस टेम्पलेट थोड़ा। ये फेस वैसे इंडियन तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा और चेंज करता हूँ यार, थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए ना यार कि इंडियन है बंदा। ये लग रहा है रामू काका जैसा। ये तो US वाला फेस बहुत ज़्यादा फीचर है उसके, थोड़ा ठीक ठाक भी दिखे। ये लग रहा है भाई इंडियन है ना, देखो चेहरे से थोड़ा थोड़ा सा, बट चूतिया भी दिख रहा है। अब क्या करना है, हो गया, इसको कर देते हैं फेस टेक्सचर। अरे यार ये तो कलर ही पूरा चेंज हो जा रहा है, ये नहीं करना है। स्किन कलर, फेशियल पार्ट्स, फेस डिफॉर्मेशन नहीं, एक्सेप्ट। बॉडी अटायर, हाँ इसका हेलमेट और वो हटाना है। रुको हटा देता हूँ यार, ये थोड़ा फर्स्ट वीडियो है ना, तो थोड़ा सा मतलब यार वेट कर लो, क्योंकि इसमें कैरेक्टर वगैरह बनाना पड़ता है ना, तो इस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। क्लोथिंग, हेड, हाँ हेलमेट हटा देता हूँ इसका। ओ मस्त मस्त वाले हेलमेट है यार, इसमें तो खतरनाक वाले हैं। ये देखो ऑक्टोपस वाला मस्त है भाई। SSS वाला ये भी है, जो SSS पहन के। ये मेड्यूसा वाले, मेड्यूसा वाला वो भी है, सांपों का हेलमेट। हिल नहीं रहे मगर सांप। कोई इंडियन पगड़ी वगड़ी हो तो थोड़ा मज़ा आए। कहाँ है, एलियन मास्क भी है, चिकन मास्क भी है। यार ये क्या क्या चूतिया पा इसमें भरा पड़ा है भाई, इसीलिए ना इसमें मज़ा आता है कि तुम कुछ भी दे सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसमें क्रिएशन मोड में ना, बहुत ज़्यादा। ये लगाते हैं भाई जय माता दी वाला, ऐसे अपन जब जाते हैं कहीं तो लगा के जाते हैं ना ऐसे बांध के। इसका कलर थोड़ा सा, फर्स्ट कलर ब्लैक है, नहीं ब्लैक नहीं, सेकंड कलर ये, हाँ इसको ऑरेंज करते हैं भाई, भगवा कलर। कहाँ है, हाँ यहाँ से कलर पिकर से थोड़ा सा कलर पिकर ऑरेंजिश, उसके गियर से भी मैच करेगा थोड़ा। चलो थर्ड कलर नहीं, चमकीला ठीक है थर्ड वाला, एक्सेप्ट। और इसका और क्या दिक्कत है, और तो वैसे सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है ना, कुछ खास बदलने की। पाइप वाइप थोड़ा ज़्यादा हो गई, लेकिन पाइप रहेगी यार, क्योंकि पाइप ना उसके 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 वो जो उसने पहना हुआ है ना बॉडी आर्मर, उसका हिस्सा है, तो उसको हटा नहीं सकते मेरे ख्याल से। हाँ अब सही है, नहीं अब चलो। पर्सनल इंफॉर्मेशन, परफॉर्मेंस, बेमंस एंट्रेंस वगैरह, टॉन्ट तो सिग्नेचर और फिनिशर। यार ये तो अच्छी होनी चाहिए थोड़ा, सिग्नेचर ये नहीं चाहिए भाई, सिग्नेचर चाहिए खतरनाक वाली, मस्त वाली। अल्टरनेटिंग फोर आर्म्स, बिग बूट 7, विकेट सेप सिस्टर, हाँ ये अच्छी है। जर्मन सुप्लेक्स, रिपकॉर्ड लैरियट, 3-3 नहीं, रनिंग हरिकेन राना को ना चाहिए। अरे यार इनको चेंज नहीं कर सकते हैं लगता है यार। अच्छा इन इन चारों में से कोई एक चूज कर सकता हूँ मैं, कौन सी चाहिए तो रुको देखता हूँ कौन सी ज़्यादा अच्छी। बिग बूट तो बेकार है, विकेट स्टेप सिस्टर ये थोड़ी सही लग रही है, जर्मन सुप्लेक्स, रिपकॉर्ड लैरियट, इसमें 3-3 सुप्लेक्स मारेगा मेरे ख्याल से, नहीं एक सुप्लेक्स मारी और एक क्लोज लाइन दे दिया।
रनिंग हरिकेन राना तो यार ये तो बहुत बेसिक मूव है, विकेट स्टेप सिस्टर कर देते हैं। और ये देखता हूँ फिनिशर कौन सी, ये तो यार अपनी अल्टीमो ड्रैगन वाली फिनिशर है, स्पीयर थ्री, बटिस्टा बॉम्ब। बटिस्टा बॉम्ब नहीं चाहिए, एंड ऑफ डेज, ये उसकी अपनी फिनिशर है, बैरन कॉर्बिन की, शार्प शूटर थ्री। यार ये सारी बेकार है, स्पीयर ही दे दूँ क्या, स्पीयर बेटर है, हाई फ्लायर है लेकिन स्पीयर ठीक है फिर भी। स्टैटिस्टिक्स पे बैक, रेजिलियंसी, लो ब्लो, पॉइजन मिस्ट, कम बैक, ब्लैकआउट, मूव थीफ कर देता हूँ एक। चूज नहीं कर सकते क्या यार मूव थीफ, नहीं कर सकते हैं भाई। अच्छा कर सकते हैं, एक मूव थीफ हो गया, एक कम बैक हो गया, होल्ड आरटी एंड वाई टू एक्टिवेट, चलो सही है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। और स्टार्ट करते हैं अपना मैच। 5'9" है हाइट, सही है, जो कि होनी चाहिए ऐसे एवरेज इंडियन हाइट। अभी चलो स्टार्ट करते हैं अपना सीजन मोड, इसका लोडिंग बहुत होती है यार। चलो सैमी जेन इंटर कॉन्टिनेंटल I am चैंपियनशिप के so साथ, close to having this title ऑडियो भी renamed है in my भाई। honor. Can you imagine? अच्छा The Sammy Continental Championship सैमी has a कॉन्टिनेंटल nice ring to चैंपियनशिप, it if you ask me. मस्त दिख रहा है ना यार बेल्ट वगैरह, All I प्रोमो have to बहुत सही do वाले हैं, अब इनके एनिमेशन क्वालिटी कितनी is सही defend it है, tonight and बेल्ट भी मस्त WWE दिख will रही है, have ऑडियंस भी no अच्छी दिख रही है। choice मतलब but ऐसे to चूतियों give them जैसे the खड़े popular हो के बस demand नहीं बोल रहे and हैं माइक make लेके, the change. वो अजीब लगता है, I have no पर idea who I'm प्रॉपर facing, but ऑडियो it भी है। doesn't matter. I am going to beat whoever it is, and you will never, लेकिन थोड़ा ever डबिंग see बेकार the है। Intercontinental Championship again. चलो आ गया Wait अपना a बंदा, second. ये If लॉक, it's finally अच्छा इसमें से happening, निकलेगा भाई, we've सेफ been में से, seeing and hearing about this और person सैमी for जेन को weeks. चैलेंज Could this be the करेगा। long-awaited debut of the Lock? I'm खुल not रहा है sure what or लॉकर who else it could be. चकरी जैसे, अरे The भाई ये तो Lock एक्सप्लोजन। has arrived on Raw, and apparently the Lock is Sammy's द लॉक mystery नाम ही है challenger. अच्छा, ऐसा Sammy's है क्या big idea इसका about भाई वो reclaiming अटायर, his titles, the Sammy बट यार मैंने तो कुछ अलग ही Continental चूज could be किया changing था quickly. मेरे We've ख्याल से heard the कुछ Lock कुछ is भी a इसमें future चोरी हो champion, रही and है। we might not have to wait long द for लॉक that to नाम है come इसका। true. This superstar has made a name for himself all around the world, and if you ask me, चलो he looks like he fits right in here in इंडी WWE. सीन में I इसने agree. धमाल He's got the मचा करके flashy रखा debut, है और the अभी आया है viral अंदर। role, but now it's time to see if he can deliver ये in शायद the तक मेरे ring ख्याल against से a ना द veteran लॉक के हिसाब competitor से उसका as अटायर Sami ये Zayn. फर्स्ट वाले कट Sami सीन के लिए might ऐसा have the दिया हुआ है, experience बाकी and सेकंड वाले skill से to अपने match हिसाब the से gauntlet आएगा। tonight. So I'd actually give the advantage to the Lock. द लॉक, You might have a point, Saxton. चलो Sami Zayn looks like he's hesitant to even go through with this बहुत match. He's बेसिक सा, अभी तो shook कुछ out खास of the way, but पर्सनैलिटी नहीं दिख रही है इसकी, बट can the Lock live मैच up to all the नहीं hype? जीतेंगे, मेरे को You're ऐसा लग about रहा to है कि ये find वाला out. मैच थोड़ा स्क्रिप्टेड वाला है, इसमें जीतेगा नहीं, इसको लात मार के बाहर निकालेंगे। चलो पहला ही मैच भाई इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए अपना हो गया है, थोड़ा इंटरेस्टिंग, हल्का काला भी है अपने जैसा ही है, मतलब अगर अपन इन गोरों के सामने खड़े हो जाएंगे तो Ladies and इतने काले तो gentlemen, the लगेंगे ही। Lock's long-awaited debut is happening right क्या हो गया now on यार, Monday Night Raw. अरे यार ये कीबोर्ड से क्यों ले रहा है भाई इनपुट, अलग ही नाटक है यार इसमें। As Sami Zayn's challenger for the Intercontinental Championship. There's been a lot of talk about how रुको the रुको Lock's रुको रुको going to रुको change the रुको game in WWE, but I'll believe it when I see it. Time to see if he's ready भाई, to ये तो deliver अलग the नाटक goods. है यार। Shoulders down, championship on the line. यार ये भाई ये ना इसमें कुछ कुछ खराबी देखो, अभी मैं कंट्रोलर से ही सब कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखो कंट्रोलर काम नहीं कर रहा है यार मेरा। यार ये क्या नाटक है भाई, शो सैमी यू मीन अ बिजनेस एंड हेट हिम विद अ कॉम्बो ऑफ योर चॉइस। यहाँ पे तो चल रहा है यार सब कुछ, गेम प्ले सेटिंग्स ये सब ठीक है, इनपुट सेटिंग्स, एक्सबॉक्स कंट्रोलर, अभी अभी हुआ, अभी हुआ अपना कंट्रोलर से। नहीं यार अभी भी मैंने कंट्रोलर कर दिया, नहीं यार ये कीबोर्ड से खेलने में थोड़ी मजा आएगा,
कीबोर्ड से तो यार समझ में भी नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। दिस फॉरवर्ड आर्म ड्रैग, वाह ये ड्रॉप किक, मून शॉट सही वाली बात। भाई रनिंग डाइव ही अच्छी है, हाई प्लान लेने का यही फायदा होता है ना कि थोड़ा सा मतलब मजा आता है। यार मैंने अभी चेक करके देखा था तो उसमें क्या था कि अरे यार मैंने ना अभी मैच नॉर्मल मैच खेल के देखा तो उस पर काम कर रहा था बट पता नहीं क्यों उस पर नहीं काम कर रहा यार। हाँ मैं अंदर जल्दी से चला जाऊंगा नहीं तो ये सैमी देन ना मेरे को। अरे यार अंदर क्यों फेंक रहा है, मार दे। अरे यार उसने रिवर्स कर दिया भाई, पावर बॉम्ब दे दिया। यार नहीं मेरे को अंदर जाना है। और ये क्या पोजीशन बना रहे हैं, रिवर्स कर दिया। वो स्नैप बैक सुप्लेक्स दे दिया इसको। यार पता नहीं यार ये इसमें से चल क्यों नहीं रहा है कंट्रोलर में से, दिमाग खराब हो रहा है मेरा सही में यार, ये क्या नाटक है। खतरनाक वाली चांट यार, इतना दूर लगेगी नहीं लेकिन क्या पता नहीं लगी, थोड़ी पे पड़ गई। स्टैमिना खत्म हो जाता है पता है इंस्टेंट अगर खड़े हो जाओ ना। पड़ गया कॉम्बो, परफॉर्म अ रिवर्सल। अरे यार मेरी फिनिशर भी आ गई है। क्या पिन करवा रहा है बार बार भाई ये। I'm just as shocked as everyone else, Cole, his opponent included. Nice snap there. यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि कंट्रोलर से चल क्यों नहीं रहा है। रिवर्स कर इससे मजा नहीं आ रहा है यार कीबोर्ड से खेलने में, मतलब ही क्या है कीबोर्ड से खेलने का। परफॉर्म हैवी ग्रैपल। ओ भाई उसने हलूला किक दे दी। उनकी आउट हो गया पहले ठीक है ऐसे। डैमेज तो उसको ज्यादा हो गया है वैसे। हैवी ग्रैपल फ्रॉम द कॉर्नर पोजीशन। उज्जा और मून सॉल्ट दे दी है मस्त वाली। एक और मून सॉल्ट। उठ एक और मून सॉल्ट। उठ भाई सर अपना पीट रहा है, पसीना पसीना हो गया है देख रहे हैं। रुको एक ये वाली मूव मारता हूँ रस्सी। अरे यार मार क्यों नहीं रहा, अभी लगता है ना सारी एबिलिटी इसके ना पूरे जेफ हार्डी वाले लग ड्रॉप।
अरे यार रिवर्स नहीं कर पाया मैं, फिर से इसने बहन करवा दिया। वो किक आउट हो गया, किक आउट हो गया। यार मेन दिक्कत है ना यार कि कंट्रोलर मेरा काम, कंट्रोलर से पता नहीं क्यों नहीं चल रहा भाई। सब कुछ हो रहा है लेकिन ये नहीं हो रहा बस कंट्रोलर से। ये तो बकचोदी वाला चीज़ है, तब से मैं उसी से कर रहा हूँ सब कुछ, लेकिन इसमें नाटक हो गया। सर पे मारना है भाई। हाँ अभी स्टन हो गया है, अभी थोड़ा सा और मारना है और थोड़ा सा मैं कॉर्नर ग्रैपल देना है ना, हैवी ग्रैपल अटैक। हाँ रिवर्स कर दिया कॉर्नर में फेंक के इसको हैवी ग्रैपल करना है। यार ये बार बार यही क्यों कर रहा है, रिवर्स कर दिया उसने। एक तो यार ना कीबोर्ड से कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को, कैसे क्या करूं, बस दबा रहा हूँ। सही में यार दिमाग खराब हो रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा इससे क्या करना है क्या नहीं करना है। तीन तीन फिनिशर आ गई है मेरे पास, इसको उठाऊ कैसे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। कंट्रोलर में से तो उठ जाता है आसानी से एनालॉग स्टिक से। बेकार से स्पेस प्लस के। अभी इसको फिनिशर देता हूँ। अरे यार रिवर्स कर दिया, फिनिशर पड़ गई। ये तो यार मस्त फिनिशर है वैसे। एक और दे देता हूँ ना और फिर काउंट आउट से शायद तक हार ही जाएगा। हाँ एक और पड़ गई यार। तो वैसे यार इसकी फिनिशर शानदार ही है। अच्छा अरे यार ये मेरे को ना बाहर कर दे भाई, कर दिया मेरे को इसने बाहर। जल्दी आ जा अंदर, रुको साला ऊपर चढ़ के बार बार टॉन्ट मार रहा है चूतिया गई का। एक सुपर फ्लेक्स पड़ गई ना टॉप रोप से। अभी उठ, अभी इसको हैवी ग्रैपल अटैक करना है। एक पहले कॉर्नर पे फेंकता हूँ। ये हैवी ग्रैपल अटैक क्या? हाँ यही था हैवी ग्रैपल अटैक। कंट्रोल के वन टू थ्री, जीत चुके हैं अपन मैच। ऑब्जेक्टिव फेल्ड। यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है भाई। माँ चुदाए भाई, माई राइज मोड नहीं खेलूंगा यार साला। एक तो कंट्रोलर काम नहीं कर रहा भाई, दिमाग खराब हो रहा सही में। रुको मैं करता हूँ एक्सट्रीम रूल्स मैच करता हूँ एक और कंफर्म कर। नहीं 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 नहीं, एरीना अपनी रेसलमेनिया होनी चाहिए ना। कोडी की स्टोरी कहाँ है, कहाँ है रेसलमेनिया? RSTW, हाँ रेसलमेनिया कहाँ गई? ये रेसलमेनिया 22 क्यों आ रही है भाई? कोई बात नहीं, कोडी की स्टोरी फिनिश करनी है भाई। कोडी रोड्स की कहाँ गया बेचारा अपना कोडी रोड्स, उसको साइड कर दिया। अभी का तुम लोगों ने अगर अभी का वो स्मैकडाउन देखा होगा ना, तो कोडी रोड्स बेचारा जाने वाला था रेसलमेनिया में उसके साथ रोमन रेंस के साथ, लेकिन रॉक आ चुका है और रॉक अभी जाएगा। रॉक का मैच होगा रोमन रेंस।
चलो ये वाला मैच देखना, भी कंट्रोलर से मेरा काम करेगा अच्छे से। बट वो पता नहीं क्यों उस पे नहीं कर रहा था यार, माई राइस पे काम ही नहीं कर रहा था, कीबोर्ड से खेलना पड़ रहा था। रसलमेनिया 22 का एरिना है, कोडी का एंट्रेंस। मैंने म्यूजिक वगैरह बंद करके रखा है यार, क्योंकि म्यूजिक की वजह से साले कॉपीराइट लगा देते हैं। मतलब वैसे मेरे कोई अभी फर्क नहीं पड़ता यार कॉपीराइट का, मेरा चैनल तो ऐसे ही है, बट फिर भी मैंने कहा कि बंद ही कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। आना भाई, थोड़ा इसका एंट्रेंस देखने का मन कर रहा है, बट ये आ ही नहीं रहा बस फोकस। हाँ आ गया, कोडी रोड्स अपना। एट यू कैन फील द एरिना ब्लोइंग अप, द अमेरिकन नाइट मेयर कोडी रोड्स इज गोइंग टू फिनिश हिज स्टोरी एंड बी द WWE यूनिवर्सल चैंपियन एंड मेक हिज फादर प्राउड, द लेट डस्टी रोड्स। चलो आ गया है इसका एंट्रेंस म्यूजिक, बहुत सही है कोडी रोड्स का अभी वाला। Adrenaline in my soul, every thought out of control. चलो अभी अभी काम कर रहा है कंट्रोलर शायद। हाँ अरे यार, इसने आते ही लात दे दी। यार स्टैमिना मेरा खत्म क्यों है, स्टैमिना बिल्ड करना पड़ेगा अच्छा रिवर्स करने के लिए कुछ भी। यार स्टैमिना तो फुल हो के मैच चालू हो जाए, क्या बकचोदी भाई, WWE दिमाग खराब कर देते हैं मेरा। बहुत झंड गेम है भाई ये सही में, कुछ तो होना चाहिए ना यार। Like a nightmare feeling the adrenaline in his soul. कर दिया रिवर्स, एक रनिंग ग्रैपल देता हूँ और ये रहा बुलडॉग। इसकी ये कोडी कटर मस्त मारता है भाई। अपने बाप वाला कॉम्बो दिया इसने डस्टी रोड्स वाला। उज्जर रोमन रेंस आज तो भाई अपनी स्टोरी फिनिश करके रहेगा कोडी रोड्स। रुक जाओ उज्जा उज्जा, इसको कोडी कटर एक देना है। अरे यार खत्म से मून सॉल्ट मार दिया भाई, कोडी कटर देना था ना यार। रोमन रेंस तो अलग मस्ती में छाया भाई पहले। Do what you have to do. This takes strength, speed, and innovation. And don't forget about a merciless mean streak. Nee, man. An impactful display of offense. Instant recovery. अच्छा weapon लेने गया है। ओह सही के। साला कभी clean जीत नहीं सकता भाई। इसको हमेशा cheating ही करनी पड़ती है। आजा रुक जा, weapon तेरे को use करवाता हूँ। हाँ। हो गया weapon use. और अरे यार कितना स्लो मारता है भाई, क्या क्या चूतिया है यार, कितना ज्यादा स्लो लग रहा था कि हवा में रुका हुआ है, इतना ज्यादा धीरे था। मतलब झापड़ पड़ा ना, और ये लेग बुलडॉग खून निकल गया इतना जल्दी। एक और बुलडॉग देता हूँ ना, रेड तो हुई थी यार स्क्रीन, शायद खून निकल गया है मेरे ख्याल से, निकल गया होगा। सिग्नेचर दे दिया अपना कोडी रोड्स का, ये है सिग्नेचर। उठ जा, अभी इसको एक कोडी कटर देना है, अभी पड़ेगी ना कोडी कटर। अरे यार ये तो खत्म वाली मून सॉल्ट दे दी, कोडी कटर देनी है भाई। उठ जा उठ जा उठ जा, कोडी कटर मस्त लगती है, रुकना दिखाता हूँ। नहीं यार ये तो लात मार रहा है भाई, वो सिग्नेचर है क्या, मेरे ख्याल से शायद सिग्नेचर में इन्होंने डाला होगा इसलिए। ये ले, रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ रिवर्स किया है। बट मैंने भी रिवर्स कर दिया। और ये बात RT प्लस ए, एक कोड वो दे देता हूँ अपने, क्या बोलते हैं इसका, क्रॉस रोड्स, बट रिवर्स ना करे। पड़ गई, जाना अंदर भोसड़ी क्या कर रहा है यार,
चूतिया, जल्दी जल्दी चढ़ कौन, अरे यार कॉर्नर पे चढ़ना, मार दे एल्बो ड्रॉप, पड़ गई, एक और फिनिशर, उड़ जा, अभी देखता हूँ, पड़ गई क्रॉस रोड्स, खून नहीं निकला यार इसका, पता है खून निकालना पड़ेगा, एक रनिंग ग्रैपल देता हूँ, पहले उठा के इसको फिर रनिंग ग्रैपल, जल्दी से मैंने यही दबा दिया, और ये रही बुलडॉग, साला ये तो यार उठे जा रहा है राक्षसों की तरह, अरे यार रिवर्स पर ही पड़ा है भाई, एक सिग्नेचर देता हूँ इसको, आर टी प्लस एक्स, उठ जा उठ जा, अभी एक सिग्नेचर देता हूँ, और ये रही सिग्नेचर बहुत ही ख़त्म वाली, गेम की यार इसकी ग्राफिक्स अच्छी, गेम प्ले भी अच्छा है, लेकिन मतलब यार उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, स्टैमिना फुल हो जा, स्टैमिना क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, स्टैमिना मीटर इसका बढ़ ही नहीं रहा कोडी रोड्स का, अभी इसको डाइविंग अटैक देता हूँ, भाई बॉडी स्प्लैश मस्त वाला पड़ा, आर टी प्लस है, एक बार फिनिशर, फिनिशर पे फिनिशर पड़ रही है, और अभी मैं एक चेयर निकालता हूँ भाई, इसका खून निकालना पड़ेगा, इतना आसानी से नहीं होगा काम तमाम, चल 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 चल, हाँ अभी निकालता हूँ, चेयर चेयर, हाँ चेयर मिल गई, चेयर अभी इसका थोबड़ा फोड़ना है, अरे यार कितना स्लो चेयर अटैक है भाई, देख रहे हो, रिवर्स हो गया, ओह टकरा गया, अरे यार स्पॉटलाइट चालू हो गई भाई, देख रहे हो ग्राफिक्स यार, लेकिन बहुत सही है इस गेम की, देखो ना कितना मस्त लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक वाला फील आ रहा है, ओ बेकार बेकार, जो मेरे को कोडी कटर देना था वो तो यार हो ही नहीं रही है, अभी उठेगा, अभी इसके फेस पे देता हूँ, वो रिवर्स कर दिया बहुत सारी गेम, यार कॉम्बो ये इसमें कुछ रिवर्स रिवर्स का सीन मेरे को सही नहीं लगता है भाई, हर टाइम तुम रिवर्स नहीं कर सकते हो तो क्या बकचोदी है, फिर क्या करना है, खून निकल गया है, ओ यार ये आ गए भोसड़ी के ऊसो आ गए इसके ब्लड लाइन वाले, पीछे से अटैक करेंगे देखना 100%, नहीं आया, रोमन रेंस ने स्पीयर दी स्पीयर, अरे यार नहीं 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 भोसड़ी वाले साले, स्पीयर देगा ये, खून निकल गया है भाई, खून निकल गया है, देखो ना थोड़ा थोड़ा सा बह रहा है, एक बुलडॉग, और अभी एक जो भी डाइविंग वाली मूव पड़ गई, अच्छी बात है, और एक यहाँ से डाइविंग मून सॉल्ट भी देता हूँ, जे बात, और अभी एक इसको अपनी क्रॉस रोड्स दे के अभी इसको पिनफॉल करवाना है, चलो पड़ गया क्रॉस रोड्स, और पिनफॉल करवा के देखते हैं शायद हो जाए, टू नहीं हुआ भाई, साले ने किक आउट कर दिया, लाल हो गया है शरीर, फिर भी मेरा भी खून निकल सकता है भाई, पता है मेरा भी मुंह लाल हो गया है, आर टी प्लस वाई कम बैक, और सबमिशन, हाँ खून निकल रहा है ना, चलो सबमिशन हो गया, जीत गए, और विनर है कोडी रोड्स, रेसलमेनिया में WWE यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं, और अपने पिताजी को प्राउड फील करवाते हुए, बट बेल्ट कहाँ है, टाइटल मैच ही नहीं था, पसीना पसीना हो गया, कोडी रोड्स, इसका तो यार मेरे ख्याल से मैं सीजन मोड नहीं डाल पाऊंगा, क्योंकि यार वो कंट्रोलर से काम ही नहीं कर रहा है, और उससे मतलब कीबोर्ड से खेलने में उतना मज़ा नहीं आ रहा भाई, मतलब बन भी नहीं रहा है अच्छे से खेलते,
तो यार अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।